संतोष बड़ेल, स्वच्छ भारत अभियान उत्तर नागपुर का महामंत्री। ये जो शिविर आज हमने लगाया है, नितिन जी गडकरी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में लगाया गया है। ये शिविर हम लोग लगातार यहाँ पे 3-4 दिन से लगा रहे हैं। इसमें करीबन 166 सबसे पहले, उसके बाद 177 और आज 163 इस प्रकार के लोगों ने अपना चेकअप कराया है और उसको RT-PCR का लाभ लिया है। मैं गडकरी साहब को दिल से एक बार फिर से बधाई देता हूँ कि ईश्वर उनको दीर्घायु प्रदान करें। मैं विजय केवल रामानी, भारतीय जनता पार्टी नागपुर शहर का मंत्री करके दायित्व है मुझे और प्रभाग एक में रहना है। ये जो भी शिविर यहाँ पे आप सभी देख रहे हैं, ये शिवगिरी चौक नारा में रखा गया है। और इस प्रकार के जो ये शिविर है, गत करीबन 15 दिनों से लगातार हमारे संतोष जी बड़ेल, दिलीप जी गौर, सुनीता ताई महल्ले और अपने बक्सरिया जी और उनकी यह पूरी टीम इस क्षेत्र में निरंतर बहुत ही अच्छा काम कर रही है। आज यह उसकी एक कड़ी है। आज का यह जो कार्यक्रम है, विशेष रूप से हमारे नेता केंद्रीय मंत्री आदरणीय नितिन जी गडकरी, जिन्होंने पूरे इस महाराष्ट्र के अंदर में कोरोना के ऊपर सिर्फ एक मात्र 20 से 25 दिनों में जो काबू पाया है, जिनकी तारीफ जितनी की जाए उतनी कम है। आज हमारे राष्ट्रीय नेता का जन्मदिन है, उनके निमित्त आज कई जगह पर ब्लड डोनेशन कैंप और इस प्रकार के RT-PCR टेस्ट, वैक्सीनेशन लगाने का काम और वृक्षारोपण का काम लिया जा रहा है। मैं सुनीता शंभू महल्ले, महिला आघाड़ी अध्यक्ष, वार्ड क्रमांक 1। आज नितिन जी गडकरी, सम्माननीय नितिन जी गडकरी, इनका जन्मदिन है। इस उपलक्ष्य में हमने यहाँ अपना RT-PCR टेस्ट का आयोजन किया है और कल हम उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में वृक्षारोपण का कार्यक्रम भी लेने। कितने लोगों ने RT-PCR टेस्ट किया आज? तो कम से कम किए होंगे 100 के आसपास। 166 लोगों ने, और कल भी हुआ है 165 लोगों ने, कल भी किया है। यहाँ लगातार 3 दिन से चालू है RT-PCR टेस्ट। मैं दिलीप गौड़, भारतीय जनता पार्टी का नागपुर शहर का उपाध्यक्ष हूँ। हम सब लोग मिलकर के माननीय प्रवीण जी डटके हमारे शहर अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में काम करते हैं। उनके आदेश के मुताबिक जिस तरीके से अभी गडकरी साहब का जन्मदिन था और गडकरी साहब ने कहा था कि भाई किसी प्रकार का पोस्टर या पेपर बाकी ना करते हुए कि अपन समाज सेवा का काम करिए, RT-PCR टेस्ट कराइए, वृक्षारोपण करिए, ब्लड डोनेशन कैंप लगाइए, ऐसा उनके निर्देशों को मानते हुए हमने ये सब कार्यक्रम रखा है। और इस प्रभाग के अंदर में संतोष जी बढ़ेल, इस वार्ड के अध्यक्ष सुनीता ताई मिश्रा अपने मोहल्ले, और हमारे विजय केवल रमानी जी और मिश्रा जी, ये सब लोग मिलकर के यहाँ पे शिविर लगाए थे RT-PCR का, जिसमें 163 लोगों ने आज उसका लाभ लिया है। और उस तरीके से यहाँ पर ये जो शिविर चल रहा है, और उनका कल फिर गडकरी साहब के जन्मदिन के अवसर पे वृक्षारोपण का कार्यक्रम भी करने वाले हैं। इस अवसर पे मैं बहुत बहुत गडकरी साहब को जन्मदिन की बधाई देता हूँ। जिस तरीके से उनका आशीर्वाद शहर के ऊपर में और हमारे ऊपर भी हमेशा उनका आशीर्वाद बना रहे, और भगवान का आशीर्वाद माननीय गडकरी साहब हमारे उनके सर पे बना रहे और उनको दीर्घायु दे, ये भगवान से शरणम प्रार्थना करते हूँ। नमस्कार।